नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपने थारा भाई जोगिंदर को अगर फॉलो नहीं किया है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने उनका नाम ना सुना हो, क्योंकि जो उसको फॉलो करते हैं और जो नहीं फॉलो करते हैं और जो बहुत सारे क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं वो थारा भाई जोगिंदर को तो जानते ही होंगे और उन्होंने उनका नाम तो सुना ही होगा और कुछ कुछ पार्ट भी देखे होंगे, क्योंकि इस समय इंडिया के जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जैसे कि ट्रिगर इंसान से लेकर के एल्विस यादव, हर्ष चौधरी और जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके वो बहुत पॉपुलर कंटेंट है और उनके ऊपर कई सारी वीडियो बना चुके होंगे, क्योंकि वो बहुत एंटरटेनिंग चीज है, बहुत हंसाते हैं और उनके ऊपर जो मजाक बनाते हैं उन पर भी बहुत हंसी आती है, तो एक तरीके से वो दुनिया को एंटरटेन करते हैं और दूसरी बात कि वो गाली नहीं देते हैं। और उनका आपने रिसेंटली एक दूसरा जो डिस्ट्रैक्ट था, उससे पहले तो एक डिस्ट्रैक्ट आया था बवंडर, उसके बाद भूचाल रिलीज किया था और वो जो है 15 मिनट के अंदर यूट्यूब से डिलीट भी हो गया। इसका जो कारण था वो ये था कि किसी ने उनका जो पहले ट्रेलर आया था उसको रजिस्टर करा करके, और जब म्यूजिक एल्बम उन्होंने निकाला यानी कि जब उन्होंने अपना डिस्ट्रैक्ट निकाला तो उस पर कॉपीराइट क्लेम दे दिया, क्योंकि वो एक छोटा सा जो उन्होंने पहले से ही उसके ही टीजर पर जो अपना रजिस्टर करा दिया था तो उतने से छोटे से टीजर पर ही जो पूरा का पूरा सॉन्ग जो है वो कॉपीराइट स्ट्राइक में आ गया कि इन्होंने चुराया है, जबकि वो उन्हीं का था, चाहे जैसा भी गाया था, जो भी था, जो भी बनाया था उसका खुद का था। अब लोगों ने मजे लेने के लिए ऐसा कर दिया, बहुत सारे लोग खुश भी हैं, बहुत सारे लोग इसको बोल रहे हैं, बहुत तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छी बात करी, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सही हुआ? क्योंकि यूट्यूब पर जो है सब लोग अपना अपना कंटेंट लेकर आते हैं और कुछ लोग इसमें बुरी बात भी कहते हैं, कुछ लोग अजीबो गरीब हरकतें भी करते हैं, तो ये जोगिंदर का अपना स्टाइल था, उन्होंने जो भी किया और क्योंकि वो उनके कंटेंट की नीड थी, क्योंकि जब वो भी इतना बेवकूफ तो नहीं होगा कि वो जान जान बूझ के ऐसी हरकतें करता है और इतनी गालियां खाता है, क्योंकि जब वो ऐसे कंटेंट बनाता है तभी जाकर लोग उसके चैनल को जाकर देखते हैं, उसकी वीडियोस को देखते हैं और बड़े बड़े क्रिएटर्स को भी उसके चैनल के माध्यम से ही कंटेंट मिलता है। ये बात तो सबको माननी ही पड़ेगी कि ऐसा तो सच में है, क्योंकि जोगिंदर के नाम से ही व्यू आते हैं, भले ही उसके खुद के चैनल पर इतने ज्यादा सब्सक्राइबर ना हो जितने कि इंडिया के बड़े बड़े यूट्यूबर जो उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं उनके हैं। तो जो भी हुआ मेरा ये मानना है ये गलत है और इस समय जोगिंदर जो है वो जो है बहुत ही निराशा में मुझे दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने इंस्टा स्टोरीज में, इंस्टा पर पोस्ट में भी बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हैं कि वो यूट्यूब छोड़ना चाहते हैं, वो सोशल मीडिया छोड़ना चाहते हैं, लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया और उनकी वीडियो जो है ऐसे डाउन करा दी और बहुत ही निराश दिखे। आपको क्या लगता है, जोगिंदर छोड़ देंगे सोशल मीडिया? और अभी अभी सम्राट जो भाई हैं उन्होंने भी जोगिंदर का सपोर्ट किया, उन्होंने भी यही कहा भले उसका गाना कैसा ही हो, थोड़ा पर तारीफ भी करी कि हाँ इम्प्रूवमेंट भी था, लेकिन किसी भी क्रिएटर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा कि जोगिंदर के साथ इंटेंशनली किया गया है, जानबूझकर उसके गाने को कॉपीराइट स्ट्राइक दी और डाउन करा दिया। ये तो पब्लिक की मर्जी है, उसको देखें ना देखें, कमेंट में कुछ भी मर्जी, आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, लोग उसको गाली भी देते हैं, तारीफ भी करते हैं, जो भी था वो उसका खुद का था, लेकिन उसको पूरा हक है कि वो जो भी मर्जी अपने चैनल पर दिखाए, अगर लोग नहीं देखेंगे तो अपने आप डाउन हो जाएगी वीडियो, लेकिन अगर लोग देखना चाहते हैं तो ये नहीं करना चाहिए कि उसकी जो वीडियो जाकर के स्ट्राइक दे दें, वो भी बिना वजह इल्लीगल तरीके से। आपकी इस बारे में क्या राय है बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन बाय बाय।